बाबा ने हम सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन हमने बाबा के लिए न कुछ किया न सोचा। श्यामा जी। बाबा जरा इधर तो आओ। स्कूल मास्टर, बाबा की चिंता छोड़, नाली बनकर जड़ों में पानी डाल, बच्चों को इस भावना से पढ़ा कि वो फूलों से भी ज्यादा सुंदर बने, ज्यादा महक दे। ऐसे गुलोही से तो मेघ बलिस्तान बनेगा। बाबा। लक्ष्मी ले आई खाना? अच्छा ला, डाल दे भिक्षा। श्यामा जरा गणों को तो बुला। अल्लाह मान। मैं आ गया साईं। ये लो। अरे आज साईं का पेट एक निवाले से ही भर गया, ये तुम लोग मिलकर खा लो। जो आ गया साईं, आओ आओ। लक्ष्मी जी। बाबा तू भी जा, कुछ खा ले। मेरे साईं ने जब कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ बाबा। तूने साईं की बड़ी भक्ति की है, तेरे साईं ने भी तुझे बहुत प्यार दिया। लक्ष्मी भक्ति के नौ रूप हैं, और ये नौ रूप तेरे साईं की मुट्ठी में बंद है। मुझे भक्ति का हर रूप मिला है। ला ला अपना आंचल, इच्छा देने वाली आज कुछ दक्षिणा भी ले ले। लक्ष्मी बाबा, बाबा आप कांपे क्यों बाबा? पंछी जब पिंजरे से निकलता है तो पिंजरा हिलने लगता है। नहीं बाबा, आप हमें छोड़ के नहीं जाते बाबा। पगली, मैं आया ही कब था जो जाने लगा, फिर भी इस जाने को तुम जाना समझती हो तो सुनो लक्ष्मी, साईं के जाने के बाद भी तुम साईं को यहीं पाओ, सिर्फ यहां शिरडी में ही नहीं बल्कि कहीं भी कोई दिल से याद करेगा तो अपने साईं को वहीं पाए। पिंजरा हिलने लगा, आज उड़ने के लिए बड़ा मुबारक दिन है। आज दशहरा है, आज मुहर्रम है, आज बुद्ध जयंती भी है।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी माने पंढरपुर साई बाबा रमावर, बाबा रमावर साई बाबा रमावर। शुद्ध भक्ति चंद्र भागा भाव पुंडलिक दागा, पुंडलिक दागा भाव पुंडलिक दागा। जाओ जाओ अवधे जन करू बाबा श्री वंदन, साई श्री वंदन करू बाबा श्री वंदन। मेरी माँ सोनूबाई नाना पाटिल शिंदे और मैं हम और मेरे पिताजी नाना पाटिल शिंदे और मैं हीराबाई नाना पाटिल शिंदे हम तीनों ही वही थे। जब समाधि जब लक्ष्मी माई का ध्यान हुआ तब उन्होंने मेरे माँ के पास ये कॉइन्स दिए और बोले सोनू तू ही इसको अच्छे तरह से संभालेगी, आगे तेरे बेटी संभालेगी। इतना बोल के लक्ष्मी माई का देहांत हुआ। जब लक्ष्मी माई का देहांत हुआ तब मुझे मेरी दादी ने बोला कि माँ बाबा का जो अध्याय है 42 वो पढ़ ले। तो मैं पढ़ रही थी उसी वक्त मैं पढ़ रही थी उसी वक्त उनका देहांत हुआ। मेरी ये दादी की मुझे बहुत याद आती रहती है और मेरे दादी जैसे ही सब मतलब मेरा नेचर है। तो सब शिरडी वाले बोलते लक्ष्मी माई का ही इसके सब गुण है। मैंने इसको का ट्रस्ट बनाया है और ये सब ट्रस्ट का जो है काम हर साल सब पूजा ये वो करते हैं और ये सब वही अभी आगे मेरी बहू मेरा बेटा उनके आगे साईराज यशराज ये सब देखेंगे। ये मेरी कामना है बाबा के चरण में। ओम साईराम। साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में आज हम महान साई भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे इनके परपोत्र श्रीयुत अरुण जी गायकवाड़ इनके निवास स्थान पे है और आज हम उनसे जानेंगे कि लक्ष्मीबाई शिंदे ने बाबा की किस तरह से सेवा की, कैसे बाबा ने ये 9 सिक्के लक्ष्मीबाई को दिए, उनको नवविधा भक्ति के रूप में किस तरह से लक्ष्मीबाई को ये सिक्के दिए और कैसे ये सिक्के ये वंश परंपरा से अरुण जी गायकवाड़ इनके घर में आए। तो आइए इसकी विस्तृत जानकारी हम अरुण जी से लेंगे। तो आइए अरुण जी आप इसकी विस्तृत जानकारी हमें दीजिएगा। नमस्कार, मैं शिरडी के साई वेब टीवी में सभी साई भक्तों का स्वागत करता हूँ और लक्ष्मीबाई शिंदे जी के बारे में उनके चरित्र के बारे में उन्होंने बाबा के साथ जब थी तब उन्होंने कैसे सेवा की क्या क्या सेवा की इसके बारे में विस्तृत में जानकारी आपको दे रहा हूँ और आप इसका जरूर ये संग्रहित करें। मेरा नाम अरुण गायकवाड़ है। मैं लक्ष्मीबाई शिंदे जी की चौथी पीढ़ी हूँ। लक्ष्मीबाई जी जो बाबा की बहुत सेवा की उन्होंने और लक्ष्मीबाई जी को बाबा ने ये चांदी के 9 सिक्के दिए थे। वो चांदी के 9 सिक्के लक्ष्मीबाई ने 1963 तक संभाल के रखे। 2 जून 1963 में लक्ष्मीबाई जी का देहांतवास हुआ और उस दिन रात को शेज आरती जो रात को 10 बजे होती है तो वो आरती के बाद उनका देहावसन हुआ। उस टाइम उन्होंने उनकी जो पोती थी जो मेरी माँ शैलाजा माँ और लक्ष्मीबाई जी की बहू सोनूबाई नाना पटेल शिंदे जो मेरी नानी थी तो उनको उन्होंने बताया शैलाजा माँ को कि साई सच्चरित्र का
42 अध्याय जो है वो आप पढ़िए, क्योंकि 42 अध्याय में साईं बाबा के लक्ष्मीबाई की सेवा के बारे में और बाबा ने चांदी के 9 सिक्के कैसे दिए उसके बारे में विस्तृत में जानकारी दी हुई है। तो फिर शैलाजा माँ इन्होंने ये साई सच्चरित्र का 42वां अध्याय उनको सुनाया और वो अध्याय सुनने के बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया। तो ऐसे है, हमारी जो माँ की दादी थी वो एक महान भक्त थी, उन्होंने बाबा की बहुत सेवा की। फिर उन्होंने वो 2 जून 1963 को देहावसान होने से पहले ये चांदी के 9 सिक्के उनकी बहू सोनूबाई नाना पाटिल शिंदे इनको दे दिए, पूरे के पूरे 9 सिक्के उनके पास दे दिए। फिर और उस टाइम सिर्फ मेरी माँ शैलाजा माँ शिंदे गायकवाड़ यही वहाँ पे थी, बाकी सब परिवार जो लक्ष्मीबाई के लड़के थे, दूसरे लड़के थे और बड़े लड़के तात्या पाटिल कोते तात्या पाटिल शिंदे और तात्या तुकाराम पाटिल शिंदे ये सब खेती में रहते थे, और मेरे मामा लोग भास्करराव शिंदे पाटिल, बाजीराव नाना पाटिल शिंदे, जीवन नाना पाटिल शिंदे ये सब अपने अपने घरों में खेती में रहते थे, खेती करते थे। गांव का जो घर है जो द्वारका माई के सामने आज जो घर है वहाँ पे वो ओरिजिनल घर है। तो वहाँ पे लक्ष्मीबाई मेरी माँ और मेरी नानी, मेरी माँ तो 2 जून 1963 में 16 साल की थी, बड़ी हो गई थी लेकिन तभी उनकी शादी नहीं हुई थी। तो उनके पास उन्होंने देहावसान के टाइम में चांदी के सिक्के दे दिए। फिर दिसंबर महीने में 24 दिसंबर 1984 को सोनूबाई ने हमारे साथ रहती थी, क्योंकि उनके बेटे और उनको संभालते नहीं थे इसलिए वो गांव के घर में मैं मेरी माँ ये सब हम रहते थे। तो उस टाइम उनका देहावसान हो गया 1984 दिसंबर 1984 में, और फिर उन्होंने ये चांदी के सिक्के अपनी बेटी शैलाजा माँ के पास दे दिए। फिर शैलाजा माँ मतलब ये शिंदे गायकवाड़, आज लोगों को बहुत भ्रम पैदा होता है कि भाई लक्ष्मीबाई शिंदे जी से एक गायकवाड़ परिवार में कैसे सिक्के आ गए। तो हमारे महाराष्ट्र में और जहाँ जहाँ पूरे दुनिया में एक परंपरा है कि शादी लड़की की शादी होने के बाद लड़की हस्बैंड का जो सरनेम रहता है वो उनके पीछे लगता है। तो शैलाजा माँ उनका पहले नाम था हीराबाई नाना पाटिल शिंदे, जो उनका शादी के पहले नाम था हीराबाई नाना पाटिल शिंदे। उस शादी होने के बाद मेरे पिताजी ने उनका नाम शैलाजा माँ रखा, और हमारा मेरे पिताजी का सरनेम गायकवाड़ था, जो बड़ौदा से गायकवाड़ घराना है उनसे हम लोग बिलोंग करते हैं। तो उसी तरीके से ये शिंदे से गायकवाड़ हो गए, शादी के बाद शिंदे का मतलब वो गायकवाड़ हो गया। लेकिन हमारी माँ शिंदे परिवार से है, और शिंदे परिवार भी जो ग्वालियर से सिंधिया घराना है, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इनके घराने से वो शिंदे फैमिली का ताल्लुकात है, और हमारा फैमिली का ताल्लुकात बड़ौदा के गायकवाड़ घराने से है। तो ऐसे करते करते अभी आप जो चांदी के सिक्के देख रहे हैं ये अभी शैलाजा माँ शिंदे गायकवाड़ इनके पास है, अभी वो 75 ईयर्स की है और मैं उनका बेटा हूँ, मेरी चौथी पीढ़ी है, अभी हम लोग संभालते हैं। हर रोज जो लक्ष्मीबाई के टाइम से पूजा होती रहती है तो वो पूजा हम करते रहते हैं। लक्ष्मीबाई जी की उम्र 14 साल थी, तो 14 साल के उम्र में उनका उनकी शादी शिरडी के जो वतनदार थे मुल्की पाटिल बोलते हैं, तो उनका तुकाराम पाटिल शिंदे इनके साथ उनकी शादी हुई। वो उस टाइम मुश्किल से 14 साल की थी, और बाबा की सेवा उनसे कैसी शुरू हो गई वो भी एक छोटी सी कहानी है जो बहुत कम लोगों को पता है, और वो साई सच्चरित्र में भी नहीं है। तो बाबा को पहले हमारे गांव के जो पुलिस पाटिल थे तात्या पाटिल कोते, उनके माताजी बाईजामा वो पहले बाबा को सेवा करती थी, खाना खिलाती थी। उनके देहांत के बाद बाबा ने 2-3 दिन गांव में जाके भिक्षा मांगना शुरू किया। पहले भी बाबा भिक्षा मांगते ही थे 5 घरों से, फिर से उन्होंने बाईजामा के बाद देहांत के बाद भिक्षा मांगना शुरू किया। तो एक दिन लक्ष्मीबाई जो द्वारका माई के सामने जो घर है, दुकानें थी उस टाइमिंग में, घर दुकानें थी, और वो दुकानें में दुकान किराना सामान मिलता था वो ज़माने में,
आजकल यहाँ पे फोटो लॉकेट मिलते हैं, तो वो दुकान में वो अपना घर का सामान लाने के लिए गई तो मस्जिद से बाबा ने उनको आवाज़ दिया लक्ष्मी माँ। तो वो लक्ष्मी माँ नाम सुन के वो ज़रा आश्चर्यचकित हो गई कि भाई मैं तो कभी बाबा के पास गई नहीं और मेरी तो शादी होके मैं मेरे को तो एक डेढ़ साल हुआ है और मैं कभी बाबा के पास गई नहीं, तो मेरे को बाबा ने अपना नाम लेकर आवाज़ दे दिया। तो वो गई बाबा के पास और बाबा को पूछा बाबा क्या चाहिए। बाबा तो फ़कीर थे, बैठे थे मस्जिद में आराम से, तो उन्होंने उनको बताया कि लक्ष्मी माँ मुझे भूख लगी है, खाना लेकर आइए। अभी एक फ़कीर ने खाना मांगा है तो अपने घर गई, जो हमारे द्वारका माई के सामने घर है, तो वहाँ पे गई और जो बना बनाया खाना था वो लेकर आ गई और बाबा को दे दिया और बाबा को बताया बाबा ये खाना खा लीजिए। तो बाबा ने क्या किया कि वो सब खाना वहाँ पे बाबा के पास कुत्ते आजू बाजू में रहते थे वो कुत्तों को दे दिया, तो कुत्तों ने वो पूरा खाना खा लिया और बाबा ने डकार दिया, मीन्स बफिंग। तो ये देख के लक्ष्मीबाई जी बहुत आश्चर्यचकित हो गई, तो लेकिन औरत है तो उन्होंने बाबा को पूछा कि लक्ष्मी माँ ने बाबा को पूछा कि बाबा आपको मैं खाना लेकर आई और आपने सब ये कुत्तों को दे दिया। तो बाबा ने उनको बताया कि लक्ष्मी माँ कुत्तों की भूख, जानवरों की भूख और इंसान की भूख एक जैसी होती है, क्योंकि कुत्ते बोल नहीं सकते या कोई भी जानवर बोल नहीं सकता है, इंसान बोल सकता है, तो इसलिए मैं वो भूखे थे तो उनको मैं खाना दे दिया लेकिन मेरा पेट भर गया। मेरी भूख और उनकी भूख से समान है। और उसी दिन से मतलब बाबा ने वो लक्ष्मीबाई के जरिए दुनिया के लिए एक संदेश दे दिया, अन्नदान श्रेष्ठ दान है। और ये संदेश से आज देखो दुनिया में, पूरी दुनिया में अन्नदान को एक महत्व आया है। और उसी दिन से लक्ष्मीबाई की सेवा शुरू हो गई और वो सेवा करते करते हर दिन वो खाना देती लेकर जाती थी, दिन में 11:30-12 बजे और शाम को भी खाना लेकर जाती थी। आज भी हमारे दोनों घरानों से, शिंदे और कोते पाटिल घराना, दोनों घराने से आज भी 11:30 और 12 के बीच में दोनों घर से खाना जाता है, उसके बाद सब घर वाले खाना खाते, ये क्रम वहाँ से लेके आज तक। मतलब बाबा 1856 में आए और 1918 में गए, तब तक ये आज वही क्रम चल रहा है आज तक। और ये उनका ये जो सेवा डेली चलता था, मटके में पानी भरना, द्वारकामाई में जो गोबर से उसको लेप देना, साफ सफाई रखना, दिया में वो डेली जाती थी, तेल लाती थी तेली लोगों से और वो दिया में डालना, ऐसे सब वो काम करती थी। और वो जब खाना लेके जाती थी तो ये जो कटोरी आप देख रहे हैं ये कांस्य की कटोरी है और इसमें वो बाबा को दूध और खीर, जो सेवैया की हमारे महाराष्ट्र में खीर बहुत पसंद आती है लोगों को, नूडल्स आजकल नूडल्स बोलते हैं, तो उसकी खीर वो लेके जाती थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप कटोरी देख रहे हैं, ये बाबा के हाथ में, मतलब बाबा ने इस कटोरी में कम से कम 45 साल खाना खाया है और ये 45 साल लक्ष्मीबाई की सेवा बाबा को बहुत पसंद आ गई। ये जो कटोरी है ये बहुत ही मतलब बाबा पसंद करते थे और इसी कटोरी में बाबा बोलते थे कि ये कटोरी में तुम हर रोज़ खाना लेके आइए, लेके आओ खीर लेके आओ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इसमें खाना खाना। आज भी हमने इतने सालों से एक कटोरी, मतलब कम से कम अभी 144 साल हो गए एक कटोरी हमारे घर में है, इसकी भी पूजा करते हैं। ये कटोरी का, कांस्य का कटोरी का भी भाग्य बाबा के साथ साथ ये फैल गया कि इसकी भी पूजा होती है। देखो मतलब एक कांस्य की कटोरी लेकिन उसकी भी आज पूजा हो रही है। तो आइए अरुण जी, आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जिसका उत्तर जानने के लिए और आपके मुख से जानने के लिए लगभग विश्व के समस्त साई भक्त आज लालयित है। जो प्रश्न है कि साई बाबा ने अपने जीवन की सबसे आखिरी चीज़ कि जो अपने पास न रखते हुए लक्ष्मीबाई की झोली में डाल दी और वो 9 सिक्के किस तरह साई बाबा ने लक्ष्मीबाई को प्रदान किए दिए, तो उसकी एक सुंदर सी कहानी है जो पूरे साई भक्त आपके मुख से सुनना चाहते हैं, तो एक बार वो थोड़ा सा बताएंगे।
आपने बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न पूछा है प्रवीण जी, और साई वेब टीवी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रश्न के वजह से दुनिया को वो चांदी के 9 सिक्कों की असलियत पता होगी, क्योंकि ये जो चांदी के 9 सिक्के हैं आज भी 100 साल के बाद सुरक्षित रखे हुए हैं। तो ये चांदी के 9 सिक्के लक्ष्मीबाई के झोली में कैसे आए, इसके बारे में मैं कुछ सभी विश्व के साई भक्तों को सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आज ये चांदी के 9 सिक्के बाबा मतलब लक्ष्मीबाई के पास कैसे आए, तो जब लक्ष्मीबाई बाबा की हर रोज खाना लेकर जाती थी, सेवा करती थी, 15 अक्टूबर 1918 उस दिन मंगलवार था, दशहरा मुस्लिमों का मुहर्रम और हिंदुओं का विजयादशमी दशहरा और बुद्ध जयंती, ये सब एक साथ थे। तो उस दिन बाबा बिल्कुल क्षीण हो गए थे। तो लक्ष्मीबाई हर रोज की तरह एक रूटीन हो गया था, हर रोज की तरह वो खाना लेकर बाबा के पास गई 11:30-12 के बीच में, और बाबा को बताया कि बाबा मैं आपको खाना लेकर आई हूँ, तो आप ये खाना खा लीजिए। तो बाबा ने उनको बताया, लक्ष्मी माँ आप ये खाना ढककर रखो। तो फिर वो सरप्राइज हो गई, तो उन्होंने बाबा को पूछा, बाबा मैं इतने सालों से आपकी सेवा कर रही हूँ और आप बोल रहे हैं कि ये खाना ढक के रखो, कवर करके रखो, तो ऐसा क्यों? तो बाबा ने उनको बताया कि आप मेरे को पंखा लेकर हवा डालो। तो बाबा ने ऐसा बताया तो लक्ष्मी माई थोड़ा सरप्राइज हो गई, और फिर लक्ष्मी माई ने बाबा को बताया, बाबा आपको तो पता है कि मेरे को नवरात्र का उपवास है, 9 दिन का उपवास है, और आज ये दशहरा है, विजयादशमी है, और हिंदुओं में ये दशहरा का बहुत महत्व है, और मुझे वो उपवास ब्रेक करना है, फास्ट ब्रेक करना है, तो इसलिए आप जब तक खाना नहीं खाते हैं तब तक ना तो मैं मेरे हस्बैंड को खाना देती हूँ, ना तो मैं खाती हूँ, ना तो मेरे बच्चों को खाना देती हूँ, तो आप खाना खा लीजिए और मुझे घर जाने दीजिए। तो बाबा, वैसे तो मैं घर जाऊँगी नहीं, तो बाबा ने उनको बताया कि लक्ष्मी माँ अगर तू घर नहीं जाती है तो ये पंखा लेकर हवा डाल। तो आज भी जो पंखा सीढ़ी मुझे में रखा हुआ है, वही पंखे से क्लॉथ कपड़े का पंखा है वो, तो वही पंखे से लक्ष्मीबाई ने बाबा को हवा डालना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते करते भक्तगण हर रोज द्वारकामई में आते थे, बाबा के पास सलाह मशवरा करते थे, और फिर बाबा जो खाना खाते थे उसका प्रसाद लेकर अपने अपने घर में जाते थे। तो बाबा ने देखा भक्तगण आए हैं और सबने दर्शन लिया है, तो वैसे भक्तगण तो कितना 20-25 लोग आते थे, तो बाबा ने देखा तो उनको बाबा ने बताया कि आप खाना खाए, आप दर्शन हो गया तो आप खाना खा लीजिए और अपने घर में जाके खाना खाकर फिर से आइए। तो भक्तगण भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा पूरे जीवन में कभी ऐसी बात बताई नहीं कि खाना खाकर जाइए और घर वापस द्वारका माई में आइए, क्योंकि बाबा अपने कर्मों में विश्वास रखते थे कि बाबा हमेशा भक्तों को बोलते थे कि भाई तुम्हारा दर्शन हो गया, प्रसाद मिल गया, और आप अपने घर पे जाइए, खाना खाकर अपने अपने काम में ध्यान दीजिए, जो भी काम है, खेती बाड़ी का है, किराना दुकान है, जो भी उनका काम है उसमें ध्यान दीजिए। तो बाबा ऐसे हमेशा बोलते थे, लेकिन उस दिन बाबा ने उनको बताया कि आप घर जाकर खाना खाकर वापस आइए, मतलब रिटर्न आइए। तो भक्तगण सरप्राइज हो गए, लेकिन कोई गया नहीं, बैठे कि बैठे रहे। बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा ने समझ लिया कि जब तक इनको प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक ये घर जाएंगे नहीं। तो बाबा ने क्या किया, लक्ष्मीबाई के हाथ से वो थाली मंगाया, लक्ष्मी माई ने फिर वो थाली बाबा को दिया, बाबा ने उसमें से आधा खाना खा लिया, क्योंकि दशहरे का खाना था पूरम पोली और सार कुड़ई और ये सब राइस, ऐसा सब कुछ था। तो ये करते और उसमें से आधा प्रसाद भक्तों को बांटने के लिए दासगनु महाराज को बोल दिया, और प्रसाद मिलने के खाने के बाद बाबा ने फिर भक्तों को वही बात दोहराई, आप घर जाके खाना खाकर फिर से आइए। तो भक्तगण घर गए, बाबा का ऑर्डर है, तो घर गए, खाना खाया, और खाना खाकर फिर से द्वारका माई मस्जिद में लौट आए। फिर बाबा ने देखा वो टाइम हो गया होगा कि 1:30, तो बाबा ने देखा सब भक्तगण बैठे हैं, तो बाबा ने क्या किया,
अपने कपनी के पॉकेट में, कपनी के खिसे में हाथ डालकर ये पहले 5 चांदी के सिक्के निकाले। बाबा ने वो भी नवविधा भक्ति का क्रम लिखा जो उद्धव जी ने, श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को वो भक्ति का, नवविधा भक्ति का बताया था। तो बाबा ने पहले 5 चांदी के सिक्के दिए और सिक्के देने से देते टाइम बाबा ने भक्तों का, भक्तों ने एक प्रश्न पूछा बाबा को कि बाबा ये क्या है, क्योंकि बाबा ने हाथ ऊपर किया सिक्कों का हाथ। तो भक्तों ने पूछा कि बाबा ये आपके हाथ में क्या है, तो बाबा ने जवाब दिया कि ये मेरे लक्ष्मी माई के लिए है, लक्ष्मी माँ तूने मेरी बहुत सेवा की, ये तेरे लिए है और तेरा नाम मेरे साथ सात समुंदर निहाल करूँगा। और देखिए, और ऐसा बोल के उन्होंने 5 सिक्के लक्ष्मीबाई के, जो लक्ष्मीबाई का साड़ी था, लक्ष्मीबाई ने अपने साड़ी के इसमें ये करके पदर में, पल्लू में, लक्ष्मीबाई ने वो साड़ी के पल्लू में वो सिक्के ले लिए और उसको बांधकर अपने पास रख दिए और पंखा लेके हवा डालना शुरू किया। तो देखिए, मतलब बाबा ने उनकी सेवा का पूरा ध्यान रखा और फिर वापस 2-3 मिनट के बाद बाबा ने वही किया और अपने कफनी के पॉकेट में हाथ डालकर, लेफ्ट हैंड के हाथ डालकर फिर ये चांदी के 4 सिक्के निकाले। तो लेकिन उनके हाथ में क्या, कितने सिक्के हैं ये किसी को मालूम नहीं था। तो भक्तों ने बोला, भक्तों ने पूछा बाबा को कि बाबा ये किसको देना है, क्योंकि वो ज़माने में भी लालच थी, आज के ज़माने में भी लालच है। भक्तों को लगा कि लक्ष्मी बाई को अभी सिक्के मिले हैं तो हमको भी मिलेंगे। ये बात लक्ष्मी बाई बहुत हंस हंस के सबको बताती थी, जब उनको भक्त मिलने के लिए आते थे तो ये बात हमेशा लक्ष्मी बाई हंस हंस के बताती थी, क्योंकि लक्ष्मी बाई जी की, जब भक्तों ने पूछा कि ये किसको देना है, तो बाबा ने उनको बताया ये मेरे लक्ष्मी माई को ही देना है, क्योंकि लक्ष्मी माँ तूने मेरी बहुत सेवा की और मेरी तुर्बत पे, भक्तगण जब शिरडी में दर्शन के लिए मेरी तुर्बत पे आएंगे तो मेरी हड्डियाँ भक्तों से बात करेगी। तो देखो बाबा ने ये और ऐसा बोल के, और मेरे को बूटीवाड़ा में रखना, और ऐसा बोल के बाबा ने ये चांदी के 4 सिक्के उनको दे दिए। और देखो कि ये चांदी के 9 सिक्के देकर बाबा ने उनके सेवा का, जो सेवा के प्रतीक है नवविधा भक्ति के 9 सिक्के, ये सेवा के प्रतीक है। तो बाबा ने लोगों को इसके जरिए समझाया कि भक्ति की, भक्ति सेवा ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी की, कि बुजुर्ग लोगों की सेवा करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। और ऐसा बोल के बाबा ने समाधि ले लिया। और ये सिक्के बाद में लक्ष्मीबाई जी ने 2 जून 1963 तक संभाले। उसके बाद उन्होंने सोनूबाई और शैला जमा, उनकी जो पोती शैला जमा है, उनके पास संभालने के लिए दिए। आज भी शैला जमा जीवित है, 75 साल की है, वो भी बाबा के ये सिक्कों की हर रोज़ आरती करती है, सेवा करती है, और मैं भी वो सिक्कों की डेली पूजा करता हूँ, आरती करता हूँ। ऐसे चांदी के 9 सिक्के, नव अंबिका पूजन, नवग्रह पूजन बोल के बाबा ने दिए, तो इसको दर्शन के लिए भक्तगण आते रहते हैं। और हम ये तब से लेके आज तक, मतलब 15 अक्टूबर 1918 से लेके 2020 तक वो सिक्कों का पूजा हो रहा है। दशहरा को इसका हम साल में, ये सिक्के साल में एक बार खोलते हैं और इसका घर में अभिषेक होता है, और ये सिक्के फिर साल भर ये फ्रेम में रहते हैं। और 15 जनवरी या 14 जनवरी जब, जिस दिन मकर संक्रांति आएगी, उस दिन ये सिक्कों का एक जुलूस निकलता है और ये सिक्के साल में एक बार शिरडी साई बाबा के समाधि मंदिर में हम लेकर जाते हैं, बाबा के पास उनको रखते हैं, पूजा अर्चा करके फिर से, क्योंकि उस दिन हम एक साई लक्ष्मी यज्ञ करते हैं और वो यज्ञ के जरिए इसका जुलूस भी निकलता है और वो भक्तों का सेवा भी होता है। और ये सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी जब शिरडी में आएंगे तो बाबा के बाद बाबा ने उनकी आखिरी चीज शिरडी मंदिर में रखने की बजाय लक्ष्मीबाई को संभालने के लिए दी। और लक्ष्मीबाई जी ने देखा कि ये सिक्के, लक्ष्मीबाई ने देखा कि ये शैला जमा ही संभाल सकती है, तो शैला जमा को दे दिए। तो आज ये सिक्के शिंदे परिवार से गायकवाड़ परिवार में आए हैं। और लेकिन देखो, शैला जमा ने, मतलब
जो सेवा का भाव है वो देखते हुए इस सिक्कों का साई भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे ट्रस्ट बनाए, ना कि अपने घर में अपनी प्रॉपर्टी बनाकर नहीं रखा, तो उसको भक्तों के लिए उन्होंने साई भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे। बिल्कुल अरुण जी, बहुत सुंदर जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो आइए, और एक थोड़ी सी जानकारी हमें चाहिए थी कि हमारे पूरे साई वेब टीवी के दर्शक जो भी साई भक्त है, साई बाबा के और भी कुछ चीज़ें आपके परिवार के पास है, तो उसकी भी थोड़ी जानकारी अगर साई भक्तों को मिलती तो और भी अच्छा हो जाता। तो आप अरुण जी थोड़ा सी उस बारे में भी थोड़ी जानकारी हमें दीजिएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हम सौभाग्य है, सौभाग्यशाली बाबा ने हमको बनाया कि ये चीज़ें हमारे फैमिली के पास है। ये जो आप पान का डब्बा देख रहे हैं, ये बाबा खाना होने के बाद ये पान के डब्बे से पान निकाल के खाते थे। ये डब्बे में बाबा के 2-3 पान रहते थे और लक्ष्मीबाई जी उनको ये खाना होने के बाद ये पान इससे निकाल के देती थी। और ये जो ये कपड़ा है, ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं, ये बाबा की कफनी का कपड़ा है। बाबा इससे कफनी बांधते थे, तो ये कफनी था पूरा। तो लेकिन हमारे लक्ष्मीबाई जी ने, फिर उनकी बहू सोनूबाई जी ने, फिर उनकी पोती शैलजा माँ ने, जब भक्तगण मांगते थे तो वो थोड़ा थोड़ा कपड़ा उससे कट करके देती थी, प्रसाद के रूप में सबको देती रहती थी। तो इसीलिए ये अभी थोड़ा सा कपड़ा रह चुका है, इसलिए हमने वो फिर शैलजा माँ ने ये करके इसको पूजा करके ये कपड़ा रखा हुआ है इसमें। तो ये कफनी और ये पान का डब्बा कैसे आया लक्ष्मीबाई के पास, ये भी इसकी भी एक छोटी सी कहानी जो मैं साई वेब टीवी शिरडी के जो प्रेस न्यूज़ है इसके जरिए आपको बता रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा ये सब मैं आपको साई वेब के जरिए आपको बता रहा हूँ, बाकी अभी तक किसी चैनल को मैंने ये बताया नहीं है। तो जब बाबा ने समाधि लिया 15 अक्टूबर 1918 में, तो लक्ष्मीबाई ने अपने साड़ी के पल्लू में ये चांदी के 9 सिक्के बांध के रखे थे। तो और बाबा का देहा समाधि हो गई, तो गोपाल राव बुटी जी जिन्होंने लक्ष्मीबाई को वो अपने बहन मानते थे, तो उन्होंने बाबा के लिए जो समाधि मंदिर बनाया है उसको बुटीवाड़ा बोलते हैं। तो वो बुटीवाड़ा में बाबा का समाधि स्थान है। तो उन्होंने लक्ष्मीबाई को बोला, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी माँ, ये आप जो सिक्के आपने साड़ी के पल्लू में रखे हैं, बांध के रखे हुए हैं, वो कितना टाइम रखोगी? तो आप वो पान का डब्बा ले लो और ये बाबा का कफनी है, तो वो कफनी में बांध के वो पान के डब्बे में रहो, तो वो चांदी के 9 सिक्के जो बाबा ने आपको अंतिम क्षण संभालने के लिए दिए हैं, वो संभाल के रखिए, उसी में रखिए। तो लक्ष्मीबाई ने उनको बताया कि आप बोलते हैं तो मैं लेती हूँ, नहीं तो मैं खुद नहीं लूँगी, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं लेती हूँ। तो देखो, वो जमाने का जो भक्तगण थे साई बाबा के, जितने भी महान भक्त हो गए, मालसापति जी नागरे, तात्या पाटिल कोते, लक्ष्मीबाई शिंदे और श्यामा देशपांडे और वामनराव जी गोंदकर, नंदकुमार मारवाड़ी संकलेचा, दासगणु महाराज, ऐसे बहुत जो साई भक्त हो गए, उन्होंने उनके सामने बुटी जी ने ऐसा उनको बताया। तो वो लोग कभी भी बाबा का सामान खुद नहीं लेते थे, अगर कोई उनको बता रहा है या बाबा ने कुछ दे दिया तो ही वो लेते थे। तो ऐसे इतने बड़े बड़े भक्त थे वो जमाने में। तो फिर लक्ष्मीबाई जी ने वो डब्बा लिया और ये कपड़े में बांध कर ये डब्बे में रख दिया और ऐसा पैक करके वो डब्बा फिर अपने घर में रखा आज। और उसके बाद फिर वो सोनूबाई के पास, फिर सोनूबाई के पास से फिर शैलजा माँ के पास, और शैलजा माँ के पास से फिर ये डब्बा अभी हमारे घर में है। हम जब मंदिर बनेगा तो इसको म्यूजियम में रखेंगे, लेकिन जब भी आप आएंगे हमारे घर में दर्शन करने के लिए बाबा के आखिरी चांदी के 9 सिक्कों का, अगर आप किस्मत वाले हो गए तो आप जरूर मुझे या मेरी माता जी को
या मेरे मिसेस को आपको याद आ गया और भगवान ने या बाबा ने आपको याद दिलाया, तो आप ये चांदी ये डब्बे का या बाबा के कफनी के कपड़े का या कटोरी का दर्शन कर पाओगे, क्योंकि हम चांदी के फ्रेम के साथ ये सब बाबा की अमूल्य चीज़ जो हमारे पास है इसको हम खुला नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए आप जब भी आएंगे तो इसका दर्शन करने का सौभाग्य कीजिए। बिल्कुल अरुण जी, हमने सुना है कि जब लक्ष्मीबाई शिंदे जी हयात थी तब कुछ जर्मन से कुछ साई भक्त शिरडी आए थे और तब वो लक्ष्मीबाई को मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर आए थे, तो उन्होंने कुछ लक्ष्मीबाई के लिए एक स्पेशल भेंट लेकर आए थे, क्या उसके बारे में आप बता सकते हैं? हमारे पूरे विश्व के साई भक्त ये जानना चाहते हैं। जरूर जरूर बताएंगे, क्योंकि जब लक्ष्मीबाई जी हयात थी तो एक अंदाजा 1918 से 1963 तक लक्ष्मीबाई जी हयात थी, तो वो टाइमिंग में जर्मनी से भक्तगण एक ग्रुप आया था लक्ष्मीबाई जी के घर पे दर्शन करने के लिए वो चांदी के 9 सिक्कों का। उस टाइम उन्होंने उनको एक इच्छा जाहिर की कि हमने जब आप बाबा को खाना खिलाती थी तो वो तो खिलाती थी, तो आप अभी भी बाबा को खाना लेके जाती है द्वारका माई में मस्जिद में, तो हमारी एक इच्छा है कि हम जो आपको एक थाली देते हैं जो जर्मन सिल्वर की थाली है, उसी में आज से वो थाली में आप खाना लेकर बाबा को द्वारका माई में लेकर जाइए। तो ये बाबा को जो आज भी जो बाबा को खाना जो घर से जाता है वो प्रथा लक्ष्मीबाई की वजह से आगे शुरू रही, बाईजा माँ के फैमिली और लक्ष्मीबाई की फैमिली, इन लोगों ने आगे के लोगों ने भी ये प्रथा चालू की। तो उन लोगों ने लक्ष्मीबाई जी को ये जर्मन प्योर जर्मन सिल्वर की एक थाली भेंट की, और ये थाली में फिर लक्ष्मीबाई जब तक थी तब तक ये थाली में खाना लेकर वो जाती थी, और इसमें वो जर्मन सिल्वर का और वो क्वीन का उसमें पूरा यहाँ पे सिक्का भी है जो दिखता है, और इस थाली में लक्ष्मीबाई तक ये थाली वो खुद लेके जाती थी। उसके बाद सोनूबाई और शैलाजा माँ ने फिर ये थाली फिर वहाँ पे वो घर में रखी, क्योंकि घर में कभी सोनूबाई लेके जाती थी, कभी मेरी माँ जो है उनकी बेटी सोनूबाई की बेटी तो वो भी लेके जाती थी, लेकिन उन्होंने बाद में ये थाली लेके जाना बंद कर दिया, और अभी छोटे थाली में शिंदे फैमिली से हमारे मामा के लोग खाना लेके जाते हैं, कभी अवसर मिला तो हम भी लेके जाते हैं। तो ऐसा एक ये भी एक थाली का महत्व है जिसको हम दर्शन के लिए हमारे घर में है, बाद में नवविधा भक्ति भव्य मंदिर बनने के बाद वो सब ये वस्तुएँ जो है वो म्यूजियम में रखी जाएगी। नमस्कार, ओम साई राम। साई वेब टीवी के माध्यम से हमने सही की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में आज श्रीयुक्त अरुण जी गायकवाड़ इनके घर पर हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन 9 सिक्कों के बारे में ली, और महान साई भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे के वंशज श्रीयुक्त अरुण जी गायकवाड़ इनके पास ये 9 सिक्के किस तरह से आए वो उनके ही जुबान से हमने मुख से सुना है, और साथ ही साथ में उन्होंने 9 सिक्के का दर्शन भी सारे साई भक्तों को कराया है, साथ ही साथ में बाबा का पान का डिब्बा जिसमें लक्ष्मीबाई स्वयं बाबा के कफनी में 9 सिक्के बांधकर उस डिब्बे में कैसे रखती थी ये भी कहानी हमने सुनी, साथ ही साथ में बाबा जिस कटोरे में खीर खाते थे वो कटोरा भी उन्होंने हमें दिखाया है, और साथ ही साथ में जर्मनी से कुछ साई भक्त साई बाबा के समाधि के बाद लक्ष्मीबाई के पास आए थे और उन्होंने वो जर्मनी से आए हुए साई भक्तों ने एक थाली जर्मन से थाली आई थी वो भी उनको दे दी थी, तो बाद में लक्ष्मीबाई ने स्वयं उस थाली में द्वारका माई में जाकर बाबा को भोग चढ़ाया था। ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें हमने देखी है, तो आइए महान साई भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे जी के तरफ से ये साई बाबा ने दिए हुए 9 सिक्के श्रीयुक्त अरुण जी गायकवाड़ इनके परिवार में कैसे आए ये इसका प्रमाण
इस ग्रंथ में श्री कर्नल निम्बालकर जी लिखित साई सच्चरित्र इस ग्रंथ में 42वें अध्याय में इसका प्रमाण दिया है और इस ग्रंथ की कुछ बातें साई सच्चरित्र में भी लिखी हुई है इसका भी प्रमाण है। और साई भक्त महान साई भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे ट्रस्ट के ओर से एक सुंदर सा लक्ष्मीबाई का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, लगभग काम शुरू हो चुका है और जब भी साई भक्त शिरडी आएंगे तो उसी मंदिर में आप सभी भक्तों को उसी दिव्य ऐसे बाबा का दिया हुआ आखिरी दान का दर्शन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। और इसी तरह हम लोग कामना करते हैं कि अरुण जी गायकवाड़ इनके हाथों से इस 9.9 सिक्के की सेवा निरंतर होती रहे, आप सभी साई भक्तों के लिए यह 9 सिक्के हमेशा दर्शन के लिए उपलब्ध हो जाए ऐसे साई बाबा के चरणों में कामना करते हैं। तो आइए हमारे साई वेब टीवी शिरडी के डायरेक्टर श्री सदाशिवराव दास इनके और पूरे हमारे टीम की ओर से हम लोग ये हमारे श्री अरुण जी गायकवाड़ इनके साई भक्ति को और बाबा के भक्ति को हम लोग पूरी टीम नमन करती है। और ऐसे ही जैसे लक्ष्मीबाई शिंदे जी ने बाबा की सेवा की, इसी तरह अरुण जी गायकवाड़ इनके ओर इनके तरफ से सारे साई भक्तों की सेवा हो जाए यही हम बाबा के चरणों में कामना करते हैं। और हम पूरी टीम इनके पूरे परिवार को नमन करती है, इनके भक्ति को नमन करती है। इसी तरह हम लोग अनेक साई भक्तों की कहानी आपके पास पहुंचाते रहेंगे साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ओम साई राम, ओम साई राम।